हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ फरेरो रोशे चॉकलेट। मैंने तो खुद इसे ज़िंदगी में एक बार खाया है और आज मुझे मौका मिला है आप सबके लिए इसको बनाने का और ख़ुद भी दूसरी बार टेस्ट करने का। बहुत ही बढ़िया बनी है ये, बहुत ही अच्छे सेट हुए। मैं आपको इसको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो क्रंच है आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी वेफल की। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं तो इसको सीधा ट्राई करने वाली हूँ और आप लोग देखिए आगे इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे हमारे लगने वाले हैं टोटल 5 इंग्रेडिएंट। चॉकलेट जो हमारी यूज़ होगी वो है मिल्क कंपाउंड। आप इसके लिए डार्क कंपाउंड यूज़ ना करें। मोर्डे का, वेनिलियर का, 2M का, आप किसी भी ब्रांड का ये मिल्क कंपाउंड ले सकते हैं। और यहाँ मैंने हाफ़ एंड वन स्ट्रिप, डेढ़ स्ट्रिप जो है, डेढ़ पट्टी वो मैंने ली है मिल्क चॉकलेट की। हाफ कप काजू, 1/4 कप हेज़लनट। ये मैंने पहली बार आज टेस्ट किया था और ये खाने में एकदम काजू और मूंगफली जैसा ही लगता है। इन दोनों को हमें सिर्फ 30-30 सेकेंड के लिए हल्का तवे पे बिना कुछ घी या तेल डाले भून लेना है। इससे ज़्यादा ना सेकें क्योंकि इसमें हो सकता है ये तेल छोड़ दे। चौथी जो इंग्रेडिएंट है वो हमारी ये है हर्शीज़ का स्प्रेड। आप कोई भी नटेला जो स्प्रेड आता है चॉकलेट वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट फरेरो रोशर के लिए, ये वेफर शेल। ये मुझे यहाँ मार्केट में मिला नहीं तो मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाया है और बहुत ही रीजनेबल रेट में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट। अब हम बताते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले इस मिल्क कंपाउंड को मैं मेल्ट करूँगी एक डबल बॉयलर की हेल्प से। आप माइक्रोवेव करके भी अगर मेल्ट करना चाहते हैं तो 30-30 सेकेंड करके मेल्ट करें, वरना चॉकलेट जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे मेरी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। और 2 चम्मच मैंने निकाला एक दूसरी कटोरी में ये चॉकलेट स्प्रेड जो हमारा नटेला है, इसमें मैं मिलाऊँगी 2 चम्मच चॉकलेट। और इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और जो हमने हेज़लनट और काजू को भूना था वो भी ठंडे हो चुके हैं। इसको अब हमें पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा इसका हम पीसेंगे, हल्के हल्के मोटे पीसेस भी रहे और थोड़ा पाउडर फॉर्म में भी। और इसको हम मिलाएंगे हमारे मिल्क कंपाउंड में। मैंने अभी पूरा नहीं डाला है क्योंकि थोड़ा सा 2 चम्मच ज़्यादा हो गया है। अब हम करेंगे फिलिंग। एक वेफल हमें लेना है, उसमें एक तरफ हम भरेंगे हमारा नटेला और उसके बीच में मैं डालूंगी ये हेज़लनट। पहले मैं नटेला की फिलिंग का एक साइड तैयार करूंगी, उसके बाद हम दूसरी साइड करेंगे। अब देखिए, एक तरफ की जो फिलिंग है वो हमने नटेला से कर दी है और दूसरे साइड की जो फिलिंग है वो हमें करनी है इस मिल्क चॉकलेट और दरदरे जो हमने इसमें काजू और हेज़लनट मिलाए हैं। और दोनों को इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं जो चॉकलेट बाहर आया है, इसको इस तरीके से इसके साइड में लगा लें ताकि जो दोनों शेल है वो आपस में चिपक जाए। अगर हम दोनों साइड ये नटेला भरते
तो हमारी जो शेल है वो आपस में चिपकेंगे नहीं, इसलिए एक साइड हमने भरा है नटेला और एक साइड चॉकलेट। और इस तरीके से हम हमारे सारे जो बॉल्स हैं उसको रेडी कर लेंगे। मेरी अब तक की लाइफ में मैंने एक ही बार खाया है फरेरो रोशर और अब दूसरी बार मैं इसको खुद घर में बना के खाने वाली हूँ। और जब तक मुझे ये बनाना नहीं था आप लोगों के लिए, तब तक मैंने इसके बारे में ज़्यादा जाना भी नहीं था कि ये चॉकलेट इतनी कॉस्टली होती क्यों है और इसका नाम आखिर फरेरो रोशर पड़ा कैसे। तो ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं। तो ये जो इसका नाम फरेरो पड़ा है, वो फरेरो मेरे ख्याल से ये मिशेल फरेरो थे, उन्होंने इसको बनाया था इस चॉकलेट को। और जो रोशर है, रोशर का मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक, क्योंकि इसके जो आउटर पार्ट जो हम इसको लेयर करेंगे वो हमारा थोड़ा रॉक जैसा रहता है, इस तरीके से ये उबड़ खाबड़ वाला, तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा था फरेरो रोशर। और जब ये कंपनी में बनती थी ये चॉकलेट तो किसी को भी अलाउ नहीं था कुछ भी टाइप का नोटबुक, नोट पेन, मोबाइल या कैमरा कुछ भी ले जाने का, क्योंकि बहुत ही सीक्रेटली तरीके से ये चॉकलेट बनाई जाती थी और बहुत ही कम टाइम में ये सबकी फेवरेट हो गई थी। अगर गिफ्ट की या फिर किसी फेस्टिवल ओकेजन में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था किसी को भी गिफ्ट में देना। इसको एकदम अच्छे से भरें ताकि हर तरफ से ये चॉकलेट लग जाए। और इसको अब मैं रखूँगी 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए, क्योंकि अगर अब भी हम इसको इस चॉकलेट में डिप करेंगे तो दोनों शेल हैं वो अलग हो जाएंगे। तो 15 से 20 मिनट में चॉकलेट की वजह से ये दोनों शेल आपस में चिपक जाएंगे और इनको कोट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 20 मिनट बाद बताती हूँ मैं इसको आगे की रेसिपी कैसे करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट बाद हमारी जो ये फरेरो रोशर का जो ये शेल है, वेफल शेल, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है कि इसको अगर हम अब चॉकलेट में डिप करेंगे तो ये अलग अलग नहीं होंगे। और दूसरी तरफ ठंड का मौसम है तो आप ये देख सकते हैं हमारी जो ये चॉकलेट है ये सच में ये तो पहले ही रॉक बन चुकी है। तो इसको अब हम करेंगे डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में मेल्ट। और इसमें मैं हाफ स्ट्रिप जो हमारी बची हुई थी उसको भी साथ में मेल्ट करूँगी ताकि हमारे जो वेफल शेल है वो अच्छे से इसमें कोट हो सके। तो इसको मैं मेल्ट करके पहले लाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुकी है पर वो अभी बहुत गर्म है। इसमें हम हमारे वेफल शेल नहीं डालेंगे वरना हो सकता है कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और एक मिनट इसको बस रहने दें, इसकी जो अंदर की गर्माहट है वो निकल जाएगी। उसके बाद हम इसको वेफल शेल को हमारे इसमें डिप करेंगे। जो चॉकलेट है वो अब नॉर्मल थोड़ी हो चुकी है, इसमें अब हम डालेंगे हमारी ये वेफल शेल, इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसको हम निकालेंगे बटर पेपर पे। आप यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं और बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ही चॉकलेट बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगे कि एक कोट में इसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है जो फरेरो रोशर में आती है, तो इसको आप एक बार फ्रिज में सेट करें 5 मिनट के लिए और उसके बाद इसके आप दोबारा सेकेंड कोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सारी शेल जो है वो कोट हो चुकी है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी फ्रिज में
ताकि ये इसकी चॉकलेट सेट हो जाए, और ठंड का मौसम है तो इसलिए ये 10 मिनट में बहुत जल्दी ही सेट हो जाएगी। और ये जो चॉकलेट इसमें बची हुई है तो इसके साथ मैं करने वाली हूँ एक और ट्विस्ट। यहाँ मैंने ये लिया है वेफर, ये वेफर बिस्किट कह सकते हैं आप इसको, ये किसी भी शॉप में मिल जाती है, नॉर्मल जो घर के आसपास भी दुकानें होती है उसमें भी मिल जाती है। और इसको मैं करने वाली हूँ इस चॉकलेट में डिप। इसको पूरा मैं चॉकलेट से कोट कर दूंगी। और इसको मैं रखूंगी अब प्लेट में, जिसमें मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लिया है। ठंड के मौसम में चॉकलेट बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। और ये बाकी जो बची हुई चॉकलेट है वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी। तो ये देखिए 10 मिनट में हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो गई है। बटर पेपर पे रखा था हमने इसलिए ये बहुत इजीली निकल गई है। जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके साइड में लगा हुआ है उसको हम सिर्फ हटाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, और आप इसको गिफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को देने में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, घर में बहुत ही आसानी से ये बहुत ही अच्छी चॉकलेट बन गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और एक बार ट्राई करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।